बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 4 से रिलेटेड है, नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 4। आप लोगों को मैंने कहा कि हम उसके नेम भी राइट करते जाते हैं साथ साथ, तो इसका जो टाइटल बनेगा वो बनेगा स्प्रिंग ऑफ 1896। टाइटल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्प्रिंग ऑफ 1896 चैप्टर नंबर 4। तो इसके मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो लिख दिए हैं, इनको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं ताकि आप लोगों को किसी किस्म का कोई इशू ना हो। मैं वाइट बोर्ड के इसलिए थोड़ा साइड पे हो गया हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। हम जैसे जैसे चैप्टर को डिस्कस करते जाएंगे तो वैसे वैसे हम इसके मुतालिक जो जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है उसको हम जो है वो डिस्कस करते जाएंगे ताकि हमारा ये भी साथ क्लियर हो जाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, चैप्टर नंबर 4 गुड बाय मिस्टर चिप्स। बुक्स बेटा आप लोगों के पास होनी चाहिए सामने, ताकि हम पढ़ते हुए आसानी से आप लोगों को भी समझ आए। जो सिनोनिम्स आएंगे उनको आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे ताकि उन सिनोनिम्स में भी आप लोगों को किसी किस्म का कोई इशू ना हो। चैप्टर नंबर 4 द स्प्रिंग ऑफ 1896। देयर केम टू हिम स्टर्ड बाय द वार्मथ ऑफ फायर एंड द जेंटल एरोमा ऑफ टी। स्टर्ड कहते हैं मोटिवेट करना, स्टिमुलेट करना, मूवमेंट को कहते हैं हरकत में लेके आना। बाय द वार्मथ ऑफ द फायर एंड द जेंटल एरोमा, एरोमा कहते हैं स्मेल को, ऑफ टी चाय की स्मेल जो है, चाय की खुशबू जो है वो उसको मोटिवेट करती थी। अ थाउजेंड टैंगल्ड रिकलेक्शंस मेमोरीज को कहते हैं यादें, टैंगल्ड गुच्छे को कहते हैं उलझी हुई, इनटैंगल्ड भी इसके लिए यूज किया जा सकता है, ट्विस्टेड हो सकता है, ट्विस्टेड आप लोग यूज कर सकते हैं। ऑफ ओल्ड टाइम्स स्प्रिंग द स्प्रिंग ऑफ 1896 मौसम बहार 1896 का। ही वॉज 48 48 साल का था वो। एन एज एट विच अ परमानेंस ऑफ हैबिट्स बिगिंस टू बी अ प्रिडिक्टेबल एक्सपेक्टेशन को कहते हैं एक्सपेक्टेड मुतवक्के होना, परमानेंस कहते हैं कंसिस्टेंसी को, मुस्तकिल होना, परमानेंट होना से है परमानेंस। ही हैड जस्ट बीन अपॉइंटेड हाउस मास्टर, हॉस्टल का इंचार्ज जो है वो अपॉइंट हुआ था। विद दिस एंड हिज क्लासिकल फॉर्म्स ही हैड मेड फॉर हिमसेल्फ अ वार्म एंड बिजी कॉर्नर ऑफ लाइफ। ड्यूरिंग द समर वैकेशन ही वेंट अप टू लेक डिस्ट्रिक्ट विद रॉडन अ कुलीग। अब किसके साथ वो गया था और कहां गया था ड्यूरिंग द समर वैकेशन, तो यहां पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वेयर डिड चिप्स गो ड्यूरिंग द समर वैकेशन। वेयर डिड चिप्स गो ड्यूरिंग द समर वैकेशन, इसको आप नोट करेंगे तो चिप्स वेंट टू समर वैकेशन, चिप्स वेंट टू लेक डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग समर वैकेशन विद हिज कोलीग मिस्टर रॉडन, उसका रॉडन कोलीग था जिसके साथ वो गया था। दे वॉक्ड क्लाइंब फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक वो सैर करते रहे, पहाड़ियों पर चढ़ते रहे। अंटिल रॉडन हैड टू लीव सडनली ऑन सम फैमिली बिजनेस, किसी बिजनेस की वजह से, अपने फैमिली बिजनेस यानी डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से उसे वापस आना पड़ा। अब यहां पे एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड रॉडन कम बैक, रॉडन जो है उसको वापस आना क्यों पड़ा, व्हाई डिड रॉडन कम बैक, वो क्यों वापस आया। सम फैमिली बिजनेस, चिप स्टेड एट अलोन एट वेस्टडेल, a name of a place, Wesdale jagah ka naam hai, where he boarded in a small farmhouse. One day climbing on Great Gable, he noticed a girl waving excitedly from a dangerous looking ledge, rock ko keh sakte hain, chatan ko keh sakte hain, mountain pahad ka upra hua hissa hota hai usko kehte hain. Thinking she was in difficulties, he hastened towards her, hastened hurriedly, jaldi se wo uski taraf dauda के जो है वो लड़की किसी मुश्किल में है। बट इन डूइंग सो स्लिप्ड हिमसेल्फ एंड रेंच्ड हिज एंकल, लेकिन ऐसा करते हुए वो खुद फिसला और बेचारे के मोच आ गई, टखने में मोच आ गई, रेंच्ड हिज एंकल। एट इट टर्न्ड आउट शी वाज नॉट इन डिफिकल्टीज एट ऑल, टर्न आउट पता चलना, और जब उसे पता चला कि वो तो डिफिकल्टी में नहीं थी, बट वॉज मेयरली सिग्नलिंग टू अ फ्रेंड फार्दर डाउन द माउंटेन, बल्कि वो अपनी फ्रेंड को इशारा कर रही थी जो कि दूर पहाड़ी पर खड़ी थी। She was an expert climber, better even than Chips. वो Chips से अच्छी क्लाइंबर थी, अच्छे तरीके से वो क्लाइंब कर सकती थी, पहाड़ों पे चढ़ सकती थी। Who was pretty good. Thus he found himself the rescued instead of the rescuer.
तब क्या हुआ कि वो रेस्क्यू होने की बजाय रेस्क्यूअर हो गया, यानी बचाने वाले की बजाय उसे बचाया गया। तो अब बेचारे के साथ ये हुआ। एंड नाइदर रोल वॉज वन फॉर विच ही हैड मच रेलिश, फॉर ही डिड नॉट ही वुड हैव सेड केयर फॉर वेमेन, ही नेवर फेल्ट एट होम और एट ईज विद देम। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में एक दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, व्हाट डिड चिप्स सी ऑन ग्रेट गैबल, चिप्स ने ग्रेट गैबल पे क्या देखा। चिप्स सॉ अ गर्ल दैट वाज वेविंग हर हैंड, तो चिप्स ने एक लड़की को देखा जो कि हाथ हिला रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, व्हाट हैपेंड टू चिप्स व्हेन ही ट्राइड टू सेव द गर्ल, जब उसने लड़की को बचाने की कोशिश की तो क्या हुआ, ही स्लिप्ड एंड रेंच्ड हिज एंकल, वो फिसला और उसका टखना जो है उसमें मोच आ गई। एक और क्वेश्चन, व्हाट वाज द गर्ल डूइंग, लड़की वहां पे क्या कर रही थी। द गर्ल वाज इन सिग्नलिंग टू हर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को वो इशारा कर रही थी, तो व्हाट वाज द गर्ल डूइंग। ये 2 से 3 क्वेश्चंस जो थे वो इस पैराग्राफ में थे। आगे चलते हैं बेटा, आप लोगों ने बुक्स अपने साथ रखनी है। एंड डेट मॉन्स्ट्रस क्रिएचर बिगिनिंग टू बी टॉक्ड अबाउट, द न्यू वुमन ऑफ 90s फिल्ड हिम विद हॉरर, ही वॉज अ क्वाइट कन्वेंशनल पर्सन। कन्वेंशनल कहते हैं गैर तखलीकी, जो इतना ज्यादा सोचता ना हो, रिवायती कह लें, ट्रेडिशनल कह लें, कि वो ट्रेडिशनल पर्सन था। एंड द वर्ल्ड व्यू फ्रॉम द हेवन ऑफ ब्रुकफील्ड सीम टू हिम फुल ऑफ डिस्टेस्टफुल इनोवेशंस। इनोवेशंस नए ख्यालात होती हैं, न्यू थॉट्स होती हैं। डिस्टेस्टफुल डल, बेकैफ, बेमजा, जिनका कोई मजा ना हो। There was a fellow named Bernard Shaw who had the strangest and most reprehensible opinions. Reprehensible opinions, bad opinions. जो के बुरी opinions रखता हो। तो यहाँ पे एक दो questions मजीद आते हैं जिनको हम discuss करेंगे। What did Chips feel in the company of Vaman? औरतों की company में Chips कैसा feel करता था? And what was Chips' opinion about Bernard Shaw and Ibsen? Chips की Bernard Shaw और Ibsen के मुतालिक क्या opinions थी? ये चीज है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देयर वाज इब्सन टू विद हिज डिस्टर्बिंग प्लेस, एंड देयर वाज दिस न्यू क्रेज फॉर बाइसिकलिंग व्हिच वाज बीइंग टेकन अप बाय द वुमेन इक्वली विद मेन। चिप्स डिड नॉट होल्ड विद ऑल हिज दिस मॉडर्न न्यूनेस एंड फ्रीडम, ही हैड अ वैग नोशन, वैग गैर वाज़े, अनक्लियर, कॉम्प्लेक्स, नोशन कहते हैं आइडिया, थॉट, ख्याल, सोच। If he ever formulated it, formulate, तश्कील देना, वज़ा करना, बनाना होता है, make करना होता है, that nice women were weak, timid and delicate, and that nice men treated them with a polite but rather distant chivalry. Chivalry कहते हैं politeness को, शाइस्तगी को, खुश इखलाकी को, courtesy को। He had not therefore expected to find a woman on Great Gable, but having encountered one who seemed to need masculine help, कि उसे जो है वो एक किसी मर्द की जो है वो जरूरत है, help की जरूरत है, need masculine help, masculine help मजबूत भी कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो men होते हैं वो powerful होते हैं, ताकतवर होते हैं, healthy होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मजबूत मदद की जरूरत थी भी हम कह सकते हैं। It was even more terrifying that she should turn the tables idiom है, तब्दील कर देना, नए हालात में ले आना, हालात को तब्दील कर देना, टर्न द टेबल्स idiom है, बाय हेल्पिंग हिम, फॉर शी डिड शी एंड हर फ्रेंड हैड टू, ही कुड स्कार्सली वॉक, बमुश्किली वो वॉक कर सकती थी एंड कर सकता था, एंड इट वाज अ हार्ड जॉब गेटिंग हिम डाउन द स्टीप ट्रैक टू वेस्टडेल, वेस्टडेल की तरफ जो ढलवानी रास्ता था तो उसको भी बमुश्किल से वो पार करता। हर नेम वाज कैथरीन ब्रिजेस, अब कैथरीन ब्रिजेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ गया है। शी वॉज 25 साल की थी वो, यंग इनफ टू बी चिप्स डॉटर, इतनी यंग के चिप्स की बेटी लगती थी। तो यहाँ पे देखें आप लोग की कितनी यंग है, चिप्स वॉज 48 एंड शी वॉज 25। शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आईज एंड फ्रैकल्ड कहते हैं स्पॉटेड, धब्बे लगे हुए होना, यानी उसके जिस चेहरे पर धब्बे थे, स्पॉटेड चीक्स, फ्रैकल्ड चीक्स, धब्बेदार गाल थे, रुखसार थे, एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर। शी टू वॉज स्टेइंग एट अ फॉर्म ऑन हॉलीडे विद अ गर्लफ्रेंड, वॉज एज शी कंसिडर्ड हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर चिप्स एक्सीडेंट, क्योंकि उसने खुद वो कंसिडर कर रही थी चिप्स के एक्सीडेंट के लिए, खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आते हैं, वट वर चिप्स व्यूज अबाउट नाइस वुमेन, ठीक है, एक ये क्वेश्चन के चिप्स के नाइस वुमेन के मतलब क्या व्यूज हैं, एंड हाउ डिड कैथरीन लुक,
कैथरीन कैसी नजर आती थी, कैथरीन कैसी दिखती थी, तो ये अभी हमने पढ़ा है उसके मुतालिक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। She used to bicycle along the side of the lake to house in which the quiet middle-aged serious looking man lay resting. जहां पर वो चिप्स जो है वो रेस्ट कर रहा था। That was how she thought of him at first, and he because she rode a bicycle and was unafraid to visit a man alone in a farmhouse sitting room. Wondered vaguely what the world was coming to. His sprain, sprain जो है वो मोच को कहते हैं, pain कह लें, दर्द कह लें, put him at her mercy. और उसकी मोच ने ही उसके दिल में रहम पैदा किया था चिप्स के लिए। And it was soon revealed to him how much he might need that mercy. She was a governess out of job. यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है जी, What did Catherine do? Catherine क्या करती थी? She was a governess out of job. ठीक है? With a little money saved up, she read and admired Ibsen. She believed that women ought to be admitted to the universities. वो हक में थी, तरक्की पसंद थी, जिद्दत पसंद थी। चिप्स जो था, चिप्स वाज ट्रेडिशनल एंड शी वाज मॉडर्न। इवन शी थॉट दे ऑट टू हैव अ वोट इन पॉलिटिक्स, शी वाज अ रेडिकल व्यूज। ठीक है, अब यहां पे एक और क्वेश्चन, व्हाट डिड चिप्स व्यूज अबाउट मॉडर्न वेमेन, व्हाट वर कैथरीन्स व्यूज अबाउट वेमेन, कैथरीन के क्या व्यूज हैं औरतों के मुतालिक। She ought to be admitted to the universities. She even thought they ought to have a vote. In politics, she was a radical with leaning towards the views of people like Bernard Shaw and William Morris. All her ideas and opinions she poured out to Chips during those summer afternoons at Waysdale Head. और ये उसने खुल कर इजहार किया था, poured out freely, जो है ना इजहार करना अपनी बात का, दिल में से इजहार कर देना चिप्स को उसने जब वो समर आफ्टरनून वेस्टडेल हेड में जाते थे। एंड ही बिकॉज ही वाज नॉट वेरी आर्टिकुलेट, बहुत अच्छा सिनोनिम आर्टिकुलेट, खुश कलाम, आर्टिकुलेट यानी अच्छी जबान बोलने वाला, साफ तलफ्फुज़ से बोलने वाला, आर्टिकुलेट जिसके मीनिंग हम करते हैं। डिड नॉट एट फर्स्ट थिंक इट वर्थ वाइल इम्पोर्टेंट अहम टू कंट्राडिक्ट देम। हर फ्रेंड वेंट अवे बट शी स्टेड, उसकी फ्रेंड तो चली गई लेकिन वो वहीं रुकी। बट वट यू कुड डू विद सच अ पर्सन, अब उसकी फ्रेंड ये कहती है कि तुम ऐसे शख्स के साथ क्या कर सकती हो। यहाँ पे चिप्स थॉट ही यूज्ड टू हॉबल विद स्टिक्स अलोंग अ फुटपाथ, हॉबल कहते हैं लंगड़ा कर चलना, लिंपिंग लंगड़ाना, हॉबल विद स्टिक्स अलोंग अ फुटपाथ लीडिंग टू द टिनी चर्च। देर वॉज अ स्टोन स्लैब ऑन द वॉल एंड इट वॉज कंफर्टेबल टू सिट डाउन फेसिंग द सनलाइट and a green brown majesty of gabble and listening to the chatter of, well yes, Chips had to admit a very beautiful girl. He had never met anyone like her. अब यहां पे Chips ने admit किया कि वाकई she was a very beautiful girl. He had never met anyone like her. He had always thought that modern type, the new women business would repel him, repel, dislike करना, ना पसंद करना, कि जदीद औरत है वो इस traditional chips को कहाँ पसंद करेगी, पुराने chips को कहाँ पसंद करेगी, रिवायती chips को। And here she was making him positively look forward to the glimpse of her safety bicycling, carrying along the lakeside road. And she too had never met anyone like him. और वो भी कभी इस तरह के शख्स से ना मिली थी। She had always thought that middle-aged men who read the times and disapproved of modernity were terrible bores. कि जो disapprove करते हैं, dislike करते हैं modernity को, वो बहुत सबसे बड़े bore हैं, बोरियत वो ही रखते हैं। Yet here she was claiming her interest and attention far more than youths of her own age. She liked him initially. इब्तिदा में उसे, शुरू में उसने उसे पसंद किया, because he was so hard to get to know. Because he had gentle and quiet manners, because his opinions dated from those utterly impossible 70s and 80s and even earlier yet were. अब यहाँ पर एक question और raise होता है, I think जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आप लोग उसको note down कर ले, what were Catherine views about chips? तो यहाँ पे question 14 हम लिख लेते हैं, what were
कैथरीन व्यूज अबाउट चिप्स, चिप्स के मुतालिक कैथरीन के क्या व्यूज हैं, वो क्या सोचती है उसके मुतालिक, तो ये वाले व्यूज हैं उसके। Yet were for all that so thoroughly honest, and because his eyes were brown and he looked charming when he smiled. अब उसकी आईज क्या थी, ब्राउन थी और वो चार्मिंग लगता था जब वो मुस्कुराता था। Of course I shall call you chips too, she said. अब उसने कहा कि क्या मैं तुम्हें चिप्स कह सकती हूँ, निकनेम उसका रखा। When she learned that was his nickname at school, जब स्कूल में उसका निकनेम था। Within a week they were head over heels in love. Head over heels कहते हैं सर से पांव तक, मुकम्मल तौर पर, idiom है head over heels। अब वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे। Before chips could walk without a stick, they considered themselves engaged and they were married in London a week before the beginning of the autumn term. अब यहाँ पर एक और question कि when did they marry? उन्होंने शादी कब की? तो they got married in London before starting of the autumn term. तो chapter number 4 यहाँ पे बेटा आप लोगों का clear होता है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखना है, तैयार करना है। इससे related questions मैंने इधर दे दिए हैं, बाकी जहाँ से आपको helping material मिलता है questions से related, आप लोग उसको ज़रूर सर्च करें और उसको भी तैयार करें। इसके साथ ही हमारे important idioms हैं, कुछ मैंने नोट डाउन करवाने थे, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लें। इंपॉर्टेंट idioms हैं, सेट 2 के हमारे स्टार्ट हैं। इसमें मैंने फर्स्ट 10 idioms जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। इसमें नंबर 1 है अबव ऑल, नंबर 2 अगेन एंड अगेन, नंबर 3 अलादीन्स लैम्प, नंबर 4 एट एनी रेट, नंबर 5 टू बी ऑल एयर्स, नंबर 6 ऑफ नो अवेल, नंबर 7 टू द बैकबोन, नंबर 8 बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ अहम idiom है, नंबर 9 बीट ब्लैक एंड ब्लू इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, एंड नंबर 10 है बिहाइंड द सीन। तो ये idioms हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 4 हमारा आज का लेक्चर जो है यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ही ख्याल रखें, संजीदगी से स्टडीज़ करें, ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जितना आप लोग सीरियसली स्टडी करेंगे उतना आप लोगों का फ़ायदा होगा। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।